लोकेशन बहुत खूबसूरत है, अगर फोटोशूट के लिए यहाँ पर आपके पास टाइम हो तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। अब तो अगर अंधेरा हो गया तो हम लोग ने वापसी का सफ़र किया। आज जो है वो बस सडनली सिंगल बाइक में बैन हो गया तो हम निकल गए। टाइम और टाइम हमने बहुत कम लिया, हम तकरीबन 4 बजे घर से निकले थे और 100 की स्पीड पर हमने विंदर तक जो है 100 की स्पीड रखी है और उसके बाद बहुत जल्दी इसको एक्सप्लोर किया है और डिस्कवर करने के बाद हम निकल रहे हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है और जब आ रहे थे तो सोच रहे थे कि शायद ये बलूचिस्तान के इलाकों की तरह जो है वो दही इलाकों की तरह होगा, बट ये दही इलाकों की तरह नहीं है। यहाँ पर अच्छे स्कूल्स बने हुए, प्रॉपर निज़ाम लग रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस जो टास्क सोचा था करने का वो टास्क बहुत कम टाइम में और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी वही 100 की स्पीड ब्लास्टिंग ट्रिप्स और अब तो मतलब हैबिट हो गई है इस तरीके से ब्लास्ट करने की। दमरोजी स्थान तकरीबन हमने कैप्चर कर लिया है, डिज़र्ट वाली साइड हमने ज़्यादा कैप्चर नहीं की। बेसिकली समंदर इतना खूबसूरत था और सनसेट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से था, ब्यूटीफुल चीज़ें थी। वापसी के लिए अब दम बलूचिस्तान से निकल गए और वापसी का ट्रेवल है ये रूट सीधा विंदर जा रहा है और विंदर के बाद राइट टर्न होंगे कराची के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त प्लेस थी और कॉर्नर पे बड़ा अच्छा शिकार लग रहा था। जो लोग शिकारी हैं या शिकार में इंटरेस्ट लगते हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, किनारे का बहुत अच्छा शिकार है। और कॉर्नर पर ही मतलब हमने वहाँ पर देखा कुछ फिशरमैन्स वहाँ पे फिशिंग कर रहे थे तो कॉर्नर पर ही उनका शिकार लग रहा था। हमने कुछ वीडियोस भी क्रिएट किए हैं उसके हवाले से। यहाँ शिकार के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं, ये देखें लाइव मछली अभी अभी बिल्कुल फिशिंग की है भाई ने और ताज़ी है बेचारे की गलबड़े आप देख सकते हैं। बिल्कुल वापसी के लिए निकल गए, ये रूट है वापसी का, ट्रक जो है जगह नहीं दे रहा है ट्रक इसलिए आपको फ्रंट रूट नहीं दिखा सकते। हमारे राइडर हैं वो ज़रा ट्रक के बैक पैक पर चल रहे हैं, थोड़ा सा राइडर अपने ज़रा ट्रक से आगे निकलिएगा जंप पे ज़रा देखकर। स्टॉप कर लिए मैंने, ये विंदर का जो है ना टर्न हम आ गए और अब विंदर से राइट साइड पे टर्न करने के बाद जो है वो हमने काफ़ी जल्दी इसको कवर कर लिया और अब विंदर से कराची की तरफ गामजन है हमारा सफ़र। टाइम जो है वो तकरीबन हमें लगे हैं यहाँ से जेटी से दम की जेटी से यहाँ तक आने में हमें तकरीबन 20 मिनट लगे हैं और 20 मिनट में हमने दम की जेटी से यहाँ तक रोड कवर कर लिया है और वन डे ट्रिप है, इजीली कोई भी कर सकता है आसानी से, इतना लंबा लॉन्ग रूट नहीं है। और हम कराची की तरफ बस अपने रास्ते पर जा रहे हैं और मोस्टली बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट 1 और 1.5 आवर लगेगा तो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और कराची पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाफ डे ट्रिप किया हमने तो बेसिकली बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी टीम्स हैं, जो भी मैंने बहुत सारी टीम्स को देखा है ट्रैवल करती हैं साथ, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जो केमिस्ट्री है ना वो मैच होना चाहिए आपके तमाम राइडर्स के साथ, तो आप बहुत इजीली कोई भी सफ़र कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग जो है वो एक ही चीज़ पे जो है वो बार 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 मुझे इनबॉक्स करते हैं, एक ही चीज़ के हम जो भी वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम कंप्लीट व्लॉग क्रिएट करें ताकि जो नए लोग हैं जाने वाले उनको रास्ता जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और जैसे जैसे मैंने देखा कि लोग सीनियर्स होते जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ये मेरा प्लेटफॉर्म है तो मैं नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूँगा, तो बस कोशिश ये है कि नए लोगों के लिए अच्छे से व्लॉग क्रिएट करूँ, कंप्लीट रोड जितनी भी ट्रैवलिंग करूँ उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूँ। और विंदर के बाज़ार हम पहुँच गए, काफ़ी तेज़ी से जो है ना हमारे जो राइडर हैं ना वो बहुत जो है जज्बात में गाड़ी चला रहे हैं और बड़ी तेज़ी से वो अपने रूट को कवर कर रहे हैं। हम विंदर के बाज़ार तक पहुँच गए और बहुत अच्छी लोकेशन थी। हाँ, तो मैं ही बता रहा था अपनी वीडियो में कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट से कंप्लीट जितना हो सकता है उतना अच्छे व्लॉग्स क्रिएट करके आपको कंप्लीट ट्रैवल व्लॉग्स दूँ और आप आसानी से अपने ट्रैवल कर सको। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ग्रुप्स या जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते जाने के लिए, वो बेचारे मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, अक्सर लोग मुझे भी टेक्स्ट करते हैं कि जब आप एडवेंचर्स आप निकला करें तो हमें जो है वो इन कर लिया करें अपने प्रोग्राम में। बट मोस्टली यार मैं फिर अपनी वीडियो में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो है ना मैं जो ये ग्रुप चला रहा हूँ इसमें हम लोग मोस्टली फ्रेंड्स हैं, तो हम कोई प्रोफेशनल ट्रैवलर नहीं थे बट अब हम जा रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की तरफ थोड़ा सा। और हमारा मोटिव सिर्फ ट्रैवल करना है, हमें कोई फेम नहीं चाहिए और हमें कोई भी जो है ना फेम नहीं चाहिए, बस यही चीज़ है। हम ट्रैवल करते हैं अपने शौक के लिए और बस अपने मज़े करते हैं। और मोस्टली लड़के जॉब वाले हैं तो हमें हमारे ना अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, सडनली प्रोग्राम बनता है और हम जो है ना चले जाते हैं। और हमारा जो दोस्ती का एक क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि हम ये नहीं देखते कि कौन है और हम बस निकल जाते हैं, और कोई एक बंदा भी मिलता है तो हम उसके साथ ट्रैवल करने के लिए निकल आते हैं। और बस आप लोगों को ये कहूँगा कि जो भी लोग नए नए ट्रैवल पे निकलते हैं वो कोशिश करें कि किसी भी जो है ना वो सीनियर ट्रैवलर से जो है वो मशवरा ज़रूर करें, मशवरा किए बिना जो है वो ट्रैवल ना करें, क्योंकि काफ़ी दुश्वारियाँ उठाई हैं मैंने अपने ट्रैवल में और काफ़ी अनएक्सपीरियंस लड़कों को मैंने एनरोल भी किया कई दफ़ा। फर्दर मोर क्या है ये इंशाल्लाह आपको, अब बस विंदर का काफ़ी स्टॉप हमने क्लियर कर लिया है, बाकी जो है मैं हब पे चल के ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं। कराची में एंटर होने वाले हब चौकी पहुँच गए हैं, ये हब चौकी के बाद कराची पहुँच गए हम इंशाल्लाह। और ये कराची में एंट्री मार दी हमने, फाइनली 7:52 और हम कराची में एंटर हो चुके हैं। बाकी फर्दर मोर जो है वो आप लोग हम वीडियो बताएंगे, शायद पुलिस अंकल हमें रोकने की ट्राई की, लेकिन नहीं हमें नहीं रोक रहे थे ये, हमें लगा कि शायद ये हमें रुच रोकेंगे लेकिन उन्होंने नहीं रोका। बलूचिस्तान की सबसे अच्छी बात जो इतने अरसे से मैं बलूचिस्तान में सफ़र कर रहा हूँ और बहुत सारी जगहें मैंने बलूचिस्तान की डिस्कवर कर ली है, यानी एक्सप्लोर कर ली है, देख ली है, मीन्स वॉट यहाँ पर निज़ाम बहुत अच्छा है।